डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो कि इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन, एलईडी बल्ब्स, बैटन, डाउनलाइट, सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम, और पास्ट में भी इन्हें कई सारी मल्टीनेशनल कंपनी से भी कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। तो डेफिनेटली काफी ज्यादा बड़ी कंपनी है और इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपको नोएडा, देहरादून और तिरुपति में देखने मिलेंगे। लेकिन अब इस कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो अब जल्द ही अपने एक और न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करेगी इन कर्नाटका। रिसेंटली ही कंपनी के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुनील जी की हाल ही में एक डिस्कशन हुई थी विद स्टेट डिप्टी चीफ मिनिस्टर सीएन अश्वथ नारायणा। इस डिस्कशन के दौरान उन्होंने अपने इंटरेस्ट को जाहिर किया, जहां पर उन्होंने बताया कि वो यहां पर एक प्लांट को बनाना चाहते हैं टू प्रोड्यूस लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स और भी कई सारे अन्य गैजेट्स। वैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये नोएडा बेस्ड कंपनी काफी ज्यादा बड़ी भी है। ये 2.5 बिलियन डॉलर्स की मार्केट वैल्यूएशन रखती है। ये वही कंपनी है जो शाओमी के टेलीविजन को, एलजी के वॉशिंग मशीन्स को, फिलिप्स के लाइटनिंग प्रोडक्ट्स को, सैमसंग के मोबाइल फोन्स को बनाती है, और रिसेंटली इन्होंने नोकिया के साथ भी एक डील कर लिया। वैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी ने भी यहां पर काफी पॉजिटिव रिप्लाई किया है और उन्होंने 10 से 15 एकड़ के लैंड को अलोकेट किया है टू डिक्सन टेक्नोलॉजीज। यहां पर कंपनी ने कहा कि वो अपने ओन प्रोडक्ट्स को डिजाइन करेंगे और आने वाले समय में वो और भी कई सारी कैटेगरीज में एंटर होंगे। इसी के साथ ही वो टैबलेट्स, लैपटॉप्स के मैन्युफैक्चरिंग को भी देख रहे हैं और मेडिकल डिवाइसेस को भी ये आने वाले टाइम पे मैन्युफैक्चर करेंगे। इसके अलावा कंपनी के वेयरेबल सेगमेंट में भी एंटर होने की पूरी तैयारी है। तो अब कंपनी का ये जो प्रोजेक्ट है टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन कर्नाटका, तो इसे अंडर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि ESDM स्कीम के तहत कंसिडर किया जाएगा। आपको बता दें कि कर्नाटका गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी है ऑफ ESDM, तो इस पॉलिसी के तहत अगर कोई भी कंपनी बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट के अलावा अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या कोई भी प्लांट को सेटअप करती है तो वो एलिजिबल हो जाते हैं फॉर सब्सिडीज और भी कई सारे कंसेशंस के लिए। तो ये कंपनी इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने में एक काफी अहम भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हाल ही में रिसेंटली लॉन्च की गई काफी सारी PLI स्कीम भी है फॉर IT प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और अकेले IT प्रोडक्ट्स के सेगमेंट में जहां पर लैपटॉप्स, टैबलेट्स ये सब इंक्लूडेड होते हैं, तो उससे हम आने वाले समय में 2,45,000 करोड़ रुपीज के एक्सपोर्ट कर पाएंगे बाकी के देशों को, जो कि इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एक काफी बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। और इन सभी के कॉम्बिनेशन से फाइनली आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी काफी ज्यादा बल मिलेगा।